नगर परिषद द्वारा नगर निकाय चुनाव से पहले चलाया गया आवारा पशुओं का धरपकड़ अभियान अब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। बाड़मेर शहर में आज भी कई गली मोहल्लों में आवारा पशुओं के झुंड देखे जा सकते हैं। वहीं आवारा पशुओं की जोर आजमाइश से प्रतिदिन हादसे भी हो रहे हैं। नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले नगर परिषद और विधायक मेवाराम जैन ने बाड़मेर शहर को आवारा पशुओं से मुक्त करने का दावा किया था। इसी को लेकर नंदी गौशाला का निर्माण भी करवाया गया और दो बार अभियान चलाकर आवारा पशुओं की धरपकड़ भी की गई। नगर परिषद द्वारा दावा तो ये किया गया था कि शहर को आवारा पशुओं से मुक्त कर पकड़े गए पशुओं को नंदी गौशाला में शिफ्ट कर उनकी देखभाल की जाएगी, लेकिन शहर अभी तक आवारा पशुओं से मुक्त नहीं हो पाया है। अभियान के बाद हालांकि कुछ दिनों के लिए आवारा पशुओं से शहरवासियों को चैन मिला था, लेकिन अब फिर से वही हाल हो चुके हैं। नगर परिषद द्वारा आवारा पशुओं का धरपकड़ अभियान अब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। बाड़मेर शहर में आज भी कई गली मोहल्लों में आवारा पशुओं के झुंड देखे जा सकते हैं। इन आवारा पशुओं की जोर आजमाइश से प्रतिदिन हादसे भी हो रहे हैं। इस मामले को लेकर सभापति दिलीप माली का कहना है कि फिलहाल सर्दियों की वजह से आवारा पशुओं की धरपकड़ नहीं की जा रही। नगर परिषद ने पूर्व में 1200 पशु पकड़े थे और कुछ दिनों बाद फिर से धरपकड़ अभियान शुरू कर शहर तथा आसपास के क्षेत्र के आवारा पशुओं से मुक्त किया जाएगा। पूरे प्रयास कर रहे हैं, हमने शहर के 1200 पशु पकड़कर नंदी गौशाला में अपने उनकी व्यवस्था करके और वाली व्यवस्था भी कर दी, लेकिन अभी भी शहर के अंदर कम से कम 1000 पशु के आसपास और भी है, उसको भी लेकर हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम है और वहाँ पे जो हमने चारे पानी की जो अच्छी व्यवस्था की है उस व्यवस्था को और हम आगे बढ़ा रहे हैं। जैसी व्यवस्था सब हो जाएगी तो इन बेसहारे पशुओं को भी हम नंदी गौशाला में शिफ्ट करवा के और वहाँ पर इनके चारे पानी की पूरी व्यवस्था करके और उनको वहाँ शिफ्ट करवाएंगे। पिछले 2 दशक से बाड़मेर शहर आवारा पशुओं की समस्या से त्रस्त रहा है। लगातार बढ़ रही आवारा पशुओं की तादाद जहां लोगों को एक बार फिर से चिंता में डाल रही है, वहीं नगर परिषद सभापति ने जल्द अभियान शुरू कर आवारा पशुओं की धरपकड़ का भरोसा दिलाया है।